सकते जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे सीख लेते रिक्वायर्ड से जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चलिए देख लेते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको आप जल्दी से। मैं आगे बढ़ूंगा, सबसे पहले पोर्टल पे जाऊंगा होम में और उसके बाद सर्विस में जाके रजिस्ट्रेशन पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। करते ही मैं एक विंडो ओपन होगा न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी TRN का, तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो भी टैक्स पेयर उसको सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे जैसे, और फिर जाके डिस्ट्रिक्ट पैन पे जो भी नाम है वो नाम, पैन कार्ड का नंबर और ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस है आप इधर फिलअप कर लेंगे। तो चलिए ईमेल एड्रेस फिलअप कर लेते, हो गया। मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और कैप्चा फिलअप करके एकदम प्रोसीड पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नया विंडो होगा, वेरीफाई OTP आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे जो भी OTP आएगा इसमें फिलअप कीजिए। तो और उसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक करें, फिर आपको एक TRN नंबर रजिस्ट्रेशन का क्रिएट हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि आगे रेफरेंस के लिए आपको ये लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो ओपन होगा न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का, तो TRN पे क्लिक कीजिए और उसका नंबर डालिए। फिर उसके बाद जो भी कैप्चा है उसको फिलअप कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। यहाँ तक हम सीख गए। और OTP आएगा मोबाइल पे, वो वेरिफिकेशन करेंगे OTP का, OTP भर लेते हैं, फिर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से आपका जो भी GST रजिस्ट्रेशन का डेट हो गया 2/11 से 17/11 के बीच तक आप कभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। तो एक्शन पे जो भी है आप एक्शन पे क्लिक कीजिए तो आपका फॉर्म फिलअप का आएगा, जैसे बिजनेस डिटेल से लेके पूरा वेरिफिकेशन तक। तो हम बिजनेस डिटेल हम भरना चालू करेंगे, तो जो भी आपका लीगल नेम रहेगा वो लीगल नेम डालिए, जैसे अपना नाम डालिए, परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाता है ऑटोमेटिक। ट्रेड नेम डालिए, ट्रेड नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का नाम है या कुछ भी वहां आप डाल सकते हैं। भेजा के जो भी आपका बिजनेस का टाइप है वो हम भरेंगे, जैसे प्रोप्राइटरशिप है तो उसको भर देंगे। स्टेट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा और फिर जाके आपको जो भी सेक्टर है वो भरना है, डिवीजन भरना है, कमिश्नरेट भरना है। ये ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, रेंज पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका ये सब फिलअप हो गया है। अभी यहाँ मैं बताऊंगा जो कैजुअल टैक्सपेयर पर्सन है उस पर हम नो ही रखेंगे क्योंकि हम टैक्स पेयर ने न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से कंपोजिशन और रेगुलर GST हम बना रहे हैं, तो रेगुलर रहेगा इसलिए कंपोजिशन पे हम क्लिक नहीं करेंगे, चेक पे तो नो ही रखेंगे। फिर अब आएंगे आगे कि रजिस्ट्रेशन जो भी हम करेंगे किस वजह से कर रहे हैं हम, तो आप अगर इसमें मेंशन है तो कीजिए, नहीं तो अदर्स पे कीजिए, ठीक है। और इधर रीजन स्पेसिफाई कर दीजिए कि मैं भाई रिटेलर करूंगा या कुछ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करूंगा, इस तरीके से आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अभी कब से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा वो डेट इधर आप डाल सकते हैं, जैसे 15 जून से आप कर रहे हैं, 15 जून 2018 से कर रहे हैं, तो आप इधर ये डेट फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पूछ रहा है कि कब से ये लागू होगा, तो इसके जस्ट थोड़ा सा बात कर डेट हम डाल सकते हैं। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, क्या डालू डेट, 20 डाल देता हूँ, 20 जून, 5 दिन के बाद। फिर उसके बाद आपका आएगा टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसा है भाई, अगर टेम्प्रेरी आईडी है ये सब है, अगर नहीं है तो अदर्स पे क्लिक कीजिए। और ये आपका इसमें कोई भी मैच नहीं होगा, देख लीजिए, फिर इसलिए अदर पे क्लिक कीजिए। फिर अदर्स TRN नंबर है आपके पास, वो TRN लिखिए, वो TRN नंबर, फिर उसके बाद उसका TRN नंबर के रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपका जो आया था उस पर हम उसका डेट डाल देंगे, इस तरीके से प्रोसीड कर देंगे। तो अभी आपका बिजनेस डिटेल्स भर गया, अभी प्रोमोटर पार्टनर्स जो भी रहेगा उसको हम, आपका नाम आ जाएगा इधर,
मिडल नेम और लास्ट नेम भर दीजिए, फिर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद फादर्स नेम भरना रहेगा आपको, फादर्स नेम भरिए, फिर उसके बाद फादर का मिडल नेम और लास्ट नेम ये सब भर लीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भरिए आपका, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, इस तरीके से ये कंपल्सरी आप भर लीजिए। फिर आप मेलेज इंडेक्स सेलेक्ट कीजिए, वो सेलेक्ट करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई का एक ऑप्शन आएगा, डेजिग्नेशन, तो आप क्या है, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर लिखिए। फिर उसके बाद एंटर डिन नंबर, जो भी वो नहीं है तो यस करने का आगे बढ़ने का, ठीक है। आई कैन ये सब जो भी है उसको ओके करके जाइए, सब पूरे डिटेल भरिए, एड्रेस, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। ये डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है आपको, आपका जो भी पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, कि दो बातें हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भरने के बाद जेंडर भर दिए आपने, टेलीफोन नंबर अगर है तो भर सकते हैं, डेजिग्नेशन, डायरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कीजिए, पैन नंबर डालिए या आ जाता है, पासपोर्ट नंबर है तो डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, ये सब सिंपल है, भर दीजिए इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हम ये सब सीख लिए। तो अभी आपको डेजिग्नेशन ये सब भरने के बाद रेसिडेंशियल एड्रेस का जो भी ऑप्शन आएगा इसमें ये सब भरना है, ठीक है। फ्लोर नंबर, नेम ऑफ परमा, सिटी, टाउन, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जिप कोड, ये सब आपको जो भी रजिस्ट्रेशन आप जिस एड्रेस पे कर रहे हो उसका एड्रेस इधर आपको भरना है। अभी इधर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपलोड फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ आपका अपलोड करेंगे और जो भी डिक्लेरेशन है यस क्लिक करके रेसिडेंशियल एड्रेस भर के डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे, फोटो और फोटो आप अपलोड कीजिए, ठीक है, और 100 KB तक होना चाहिए। ये अपलोड हो गया आपका डॉक्यूमेंट, फिर जाके ऑथराइज सिग्नेटरी है तो यस कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए और सेव और कंटिन्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऑथराइज सिग्नेटरी है आप तो यस करके आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। सेव और कंटिन्यू करते ही आपका दूसरा भी भर जाएगा और टिक हो जाएगा कि आपने फिलअप कर दिया। अभी ऑथराइज सिग्नेटरी पे आप पूछ रहे हैं तो प्राइमरी है तो ओके, ठीक है, प्राइमर होता है, सिग्नेटरी है तो ओके मारिए, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी भरना है नहीं, सिलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए, हो गया आपका। थर्ड पे आए, थर्ड हो गया, फोर्थ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, डू यू हैव एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, नो, तो रहने दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। सब बिल्कुल नया, अपना अपना जो बनाना है उसके लिए आप ये कर सकते हैं। अभी एड्रेस पूरा भरना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो भी एड्रेस रहेगा, मतलब जहाँ से आप बिजनेस करना चाहते हैं, जहाँ ऑफिस का एड्रेस है वो भर दीजिए। और भरने के बाद आपका जो भी रहेगा एड्रेस, पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, ठीक है, आप कंसेंट लेटर रख रहे हैं, लिस्ट पे जो भी अपने रेंटेड पे है आप या कुछ ऐसा है आपका जो भी ऑफिस हो वो सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये आपका इसका ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए पूछेगा कि ये आपका प्रिंसिपल बिजनेस एड्रेस है, आप इसको उसका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेगा, ठीक है। आपको अगर टैक्स रिसिप्ट है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का खाता कॉपी है या लेबर जो भी है उसको क्लिक कीजिए और उसको अपलोड करके आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। 100 KB तक ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे फोटो को रिसाइज करके 100 KB तक करके इसको आप क्या कीजिए, फिलअप कर लीजिए। अगर 100 KB से ज़्यादा रहेगा तो वो लेगा ही नहीं, इसलिए आप सिलेक्ट करके, जैसे सिलेक्ट करेंगे अपलोड हो जाएगा। दूसरी बात ये है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो कर दे नेक्स्ट, ठीक है।
अभी क्या बोला है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो भी है आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें क्या करेंगे आप रिटेल बिजनेस कर रहे तो रिटेल बिजनेस पे क्लिक कीजिए, या अगर आप कंस्ट्रक्शन तो सेल्स, जो भी सेलिंग है या परचेस है उसके ऊपर आप जो भी आप पे फिट होता है क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, तो दूसरा पोर्टल ओपन होगा, उसको सीधा आप ओके कीजिए, आगे आएगा गुड्स एंड सर्विस। तो अभी देखिए, जो भी आप डिटेल करेंगे उसका SSHSN कोड आता है, तो हम उस HSN कोड पे या उसका नाम डालेंगे हम रिटेल का, तो उसका डिफरेंट टाइप ऑफ ये आएगा, आपका HSN कोड नंबर आएगा, ठीक है। तो HSN जैसे आप इधर कुछ भी क्लिक करेंगे तो आप जैसे आपको फैब्रिक का रिटेलिंग करना है तो उसका HSN कोड आएगा, तो एक सिलेक्ट करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में है तो कंस्ट्रक्शन क्लिक करके आप करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उसमें आप HSN नंबर बहुत सारे आएंगे, तो उसको क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। फिर अभी नेक्स्ट आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट नंबर, तो उसको आप कितने बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, एक एक करके एड न्यू करके आपको जो भी है उसका पासबुक का पूरा डिटेल, टाइप ऑफ अकाउंट, इंटर बैंक IFSC कोड और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है बैंक का, ठीक है। जो भी पहला पेज है उसको क्या करेंगे हम अपलोड कर लेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो लिस्ट दिया था उसके हिसाब से ये आपको रखना है, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में टाइम ना लगे, ठीक है भाई। फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक लेंगे, ठीक है, या कैंसिल चेक लेंगे या बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे, कोई भी आप इस पे लोड कर सकते हैं, ताकि बैंक का पूरा डिटेल सही सही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अभी लास्ट जो भी स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, भरना है नहीं भरना है, पहले अपना जो भी है नहीं भरना, उसको आगे करने का वेरीफाई करने का, और नेम ऑफ अथराइज सिग्नेटरी आएगा उसका नाम, मतलब अपना नाम आ जाएगा जिसके नाम से आप ये कर रहे हैं, प्लेस किधर है, नासिक है, भागलपुर, जो भी आपका वो सिलेक्ट कीजिए। और सबमिट करने से पहले आप देख लीजिए आपके पास DSC है, मतलब जो अभी सर्टिफिकेट लेते हैं हम कि अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो उससे कर सकते हैं, या वन टाइम पासवर्ड EVC से आप कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे पासवर्ड आएगा, और या OTP बोलते हैं जिसको, OTP डालिए और वैलिडेट OTP करके आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से सक्सेसफुली आपको ये जो भी GST का पोर्टल था उसको आपने पूरा अच्छे से फिलअप कर दिया, और जो भी एक्नॉलेजमेंट है वो 15 मिनट पे आपकी ईमेल आईडी पे वो आ जाएगा और उसको वेरीफाई करेगा। तो इस तरीके से GST का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, उसको डॉक्यूमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखिए, और सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। अगर नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप जो भी रहता है वो आप फिलअप करके, प्रोप्राइटरशिप मतलब जो भी इनिशिएटर रहते हैं, जो भी अपना नया बिजनेस चालू करते हैं, जिसको हमें GST नंबर की ज़रूरत पड़ती है, बिना उसके हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए GST रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।